सो आज हम जाएंगे दिल्ली से कैची धाम बाबा जी के दर्शन के लिए। बाबा जी श्री नीम करोली महाराज जी के दर्शन के लिए आप कैसे कैची धाम जा सकते हैं, कैसे उनके दर्शन कर सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, कैसे जाना होता है, कितना खर्च होता है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में देने वाली हूँ। और कैची धाम जाने के लिए ट्रेन जो है सीधा कैची धाम नहीं जाती है, उसके लिए आपको हल्द्वानी रेलवे स्टेशन या फिर काठगोदाम रेलवे स्टेशन जाना होता है। और ट्रेन जो है वो दिल्ली से जाती है, तीन टाइम पर चलती है, मॉर्निंग में, दोपहर को और शाम को, तीन टाइम पर ये ट्रेन जाती है। तो आप कैसे जा सकते हैं सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। कैची धाम बाबा जी के दर्शन के बाद हम नैनीताल जाने वाले, नैनीताल का ट्रिप ही करने वाले हैं। स्वागत है आपका अपने रोशनी कुमारी यूट्यूब चैनल पे। और अभी लोकेशन बिल्कुल चेंज है, ना कोई शॉप है ना ही कोई होलसेलर है यहाँ पे। अब से आपको कुछ दिनों तक ना बिज़नेस के वीडियोस नहीं मिलेंगे और सिर्फ ब्लॉगिंग के वीडियोस ही मिलेंगे, क्योंकि मैं जा रही हूँ नैनीताल। यहाँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, यहाँ से मैं नैनीताल जाने वाली हूँ। नैनीताल में क्यों जा रही हूँ, कितने दिनों के लिए जा रही हूँ, कहाँ रुकने वाली हूँ, क्या बजट आने वाला है, सब इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, इससे मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और आप मुझे इंस्टा और एबी पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मुझे फॉलो ज़रूर करें। और ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, फुल इन्फॉर्मेशन के साथ आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम नैनीताल जा रहे हैं तो कहाँ से कैसे आपको जाना चाहिए, कितना बजट आता है, कहाँ आप रुक सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और वैसे भी आपको इंस्टा पर डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलते रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो फॉलो ज़रूर करिए। अभी मैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूँ और ट्रेन की टाइमिंग 4 बजे शाम को है, 4 बजे ट्रेन आने वाली है। तो जैसे ही ट्रेन आएगी उसके बाद आगे का ब्लॉग शुरू करेंगे। तो दोस्तों ट्रेन में मैं आ गई हूँ और ट्रेन चालू हो गई है। और मेरी जो कोच है वो C1 है, ऐसी चेयर कार हमने बुक किया है दिल्ली से नैनीताल के लिए। और ट्रेन अभी चालू हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा आपको ट्रेन दिखाऊं तो ट्रेन ठीक है, कंफर्टेबल। अगर 6 आवर्स की आप ट्रैवलिंग कर रहे हो यहाँ से हल्द्वानी के लिए तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। वेल अभी यहाँ से जब नैनीताल पहुँचेंगे, हल्द्वानी पहुँचेंगे काठगोदाम, तब आपको बताएंगे कि कैसा सफ़र रहा हमारा। अभी तो फिलहाल अच्छा रहा है और आपको एक बार ट्रेन दिखा देते हैं। सो ये एसी चेयर कार है, आप देख सकते हैं इसमें 5 सीट्स होते हैं, एक तरफ 3 सीट्स एंड दूसरी तरफ 2 सीट्स होते हैं। बट लकीली हमें ऐसी सीट मिली थी जिसपे हम काफ़ी कंफर्टेबल थे, और ये वो सीट है जिसमें बीच में टेबल था सेंटर में और दोनों तरफ हमारी सीट थी आमने सामने। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा था क्योंकि हम पूरी फैमिली एक साथ ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन था हमारे लिए। और इस एक कोच में इस तरीके के ऑप्शन बस 2 ही थे और लकीली हमें ये वाला सीट मिला था, तो काफ़ी अच्छा था। और फिर आप देख सकते हैं नॉर्मली जो चार्जर्स के ऑप्शन होते हैं और हैंगिंग के लगेज वगैरह के जो ऑप्शन होते हैं वो है। बट एसी चेयर कार में ना सफाई बहुत टाइम टू टाइम इसमें सफाई होती रहती है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। और ये जो सेंटर टेबल था, इस पर हमने पेपर डाल के सारा सामान रख दिया था, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन था। और काफ़ी सो जो ट्रेन है मेरी वो पुरानी दिल्ली से ट्रेन जाती है और ट्रेन का नाम है संपर्क क्रांति, और पुरानी दिल्ली से काठगोदाम के लिए ट्रेन जाती है। 6 आवर्स लगते हैं, टोटल 6 घंटे लगते हैं सफ़र में। और एसी चेयर कार हमने बुक किया है, टिकट मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर। तो टिकट हमने ऑनलाइन बुक करा था तो हमारा इसमें ही टिकट है। और एक जो टिकट है वो 425 का आता है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो, जितने भी लोग आप जा रहे हो वो कर सकते हो। आप ऑनलाइन भी ट्रेन बुक कर सकते हो, IRCTC के उस साइट से आप जाकर टिकट बुक कर सकते हो, या फिर आप काउंटर से भी जा कर के टिकट बुक कर सकते हो, वहाँ से भी आप जा सकते हो। लेकिन कोशिश आप ये करें, चाहे आप AC चेयर का ले रहे हैं या फिर स्लीपर ले रहे हैं या फिर AC कोच या जनरल का, तो मैं खैर बात नहीं करूँगी, आप जैसे भी जा रहे हैं जनरल को छोड़कर AC चेयर का या स्लीपर या
या ऐसी कुछ हो गया, तो उसमें ना कोशिश ये करें कि जो भी आप जिस भी ट्रेन से आप जा रहे हैं, कुछ जो भी हो आपका, लेकिन उसमें आपकी टिकट ना कंफर्म होनी चाहिए। कंफर्म होने से ये होता है ना कि आपको कोई आकर बीच में हटाता नहीं है, काफ़ी आप रिलैक्स फील करते हो, और जैसे आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो एक अच्छे से इंजॉय करके जा सकते हो, आपकी जर्नी काफ़ी अच्छी रहती है। तो कोशिश ये करें, ऑनलाइन बुक करें या काउंटर से बुक करें, कन्फर्म होना चाहिए आपका टिकट, उससे आप जा सकते हैं। सो अभी तो हम अभी शुरुआत हुई है ये जर्नी, और अभी काठगोदाम पहुँचेंगे हम, रात हो जाएगा वहाँ पे जाते जाते, तो देखते जो ट्रेन है वो कितने टाइम तक हमें काठगोदाम पहुँचाती है। यहाँ से नंबर मैं आपको बता दूँ, 15035 ट्रेन का नंबर है, UTR संपर्क क्रांति ये ट्रेन है। सो इससे हम जाने वाले हैं काठगोदाम। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमने खाना अभी निकाला, थोड़ी सी भूख लग गई है, तो यहाँ पर बिरयानी है, वेज बिरयानी, यहाँ पर रोटी है और पनीर है, साथ में चावल है। सो अभी भूख लग गया है और खाना भी मैंने आपको दिखाया क्या क्या है, सबकी पसंद का कुछ ना कुछ बना हुआ है। और पैकिंग देखकर ये मत समझिएगा कि होटल से खाना लाया या घर का खाना है, पैकिंग हमने इस तरीके से करी है कि हम ले जाने में हमको काफ़ी इजी रहे, ताकि हम उधर से आएँ या फिर हम वहाँ जान जब नैनीताल में रुकेंगे तो हमें काफ़ी ईजी रहेगा ये कैरी करने में। और एक बैग जो हमारा एक पूरा भर के बैग हुआ है वो थोड़ा सा हेवी जो है वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, और क्योंकि पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो खाना भी पानी भी सारी क्वांटिटी में ही जानी चाहिए। और घर का खाना लेकर जाए, जब आप घर से जा रहे हैं तो कोशिश करें कि घर का खाना लेकर जाए, टाइम से थोड़ा पहले उठेंगे तो खाना वाना सब रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर भूख लग गया, सबकी पसंद का कुछ ना कुछ है मैंने आपको दिखाया। सो फर्स्ट बाइट आप सबके लिए, सो पहले खा लेती हूँ उसके बाद आप सबसे बात करती हूँ। गाज़ियाबाद जंक्शन पे, और आप देख सकते हैं आप फर्स्ट टाइम जो ट्रेन है वो गाज़ियाबाद अभी जंक्शन पे आ गई है, और यहाँ पे ट्रेन आई है और ये गाज़ियाबाद जंक्शन पे रुकेगी पहली बार। हाँ जी, 2 मिनट के लिए यहाँ पे ट्रेन रुकती है, और खाना वाना मैंने खा लिया है। और जो लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े उनको पता होगा कि मैंने अपने चैनल की स्टार्टिंग करी थी ब्लॉगिंग से, और फिर मुझे बिज़नेस वीडियोस के बहुत सारे ऑफर आने लगे, फिर मैं बिज़नेस वीडियोस की तरफ हो गई, और अभी मुझे टाइम मिला है, फैमिली के साथ जा रही हूँ काफ़ी टाइम के बाद, तो ये सेकेंड मेरा ब्लॉगिंग का वीडियो आएगा चैनल पर। और बीच में ऐसा नहीं कि मैंने ट्रैवलिंग नहीं किया था, बट वो वीडियोज़ मैंने अपलोड करे नहीं चैनल पर, तो एक टाइम आने का इंतज़ार है, तो वो एक राइट टाइम आएगा, फिर मैं वो वीडियो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी चैनल पे, क्योंकि वो वीडियो मेरे लिए, वो जो ब्लॉग है मेरे लिए बहुत खास है, इसलिए मैंने उस ब्लॉग को चैनल पे अपलोड नहीं किया अभी। और ये जो सेकंड ब्लॉग आप देख रहे हैं दिल्ली से नैनीताल का, तो दिल्ली से नैनीताल का जो ब्लॉग आप देख रहे हैं तो ये आपको चैनल पे मिलेगा देखने के लिए, और इसकी इनसाइड स्टोरीज़ भी आपको इंस्टा पे मिलेगी, तो इंस्टा पेज पे फॉलो ज़रूर करिएगा। और ट्रेन चलने भी लगी, 2 मिनट के लिए रुकी थी यहाँ पे गाज़ियाबाद जंक्शन पे, और गाज़ियाबाद से ट्रेन चलने भी लगी है। सो दोस्तों, एक और बात, ये जो टेबल आपको फ्रंट पे मिलता है, इस टेबल पे मैंने पेपर डाल रखा है सिर्फ खाने के लिए नहीं, और जब हम आए स्टार्टिंग में ये टेबल थोड़ा सा गंदा था तो हम कुछ रख भी नहीं सकते थे, इनफैक्ट अगर हाथ वगैरह भी लगता है तो थोड़ा सा ना अजीब सी फीलिंग आती है, क्योंकि बिल्कुल क्लीन नहीं था, दाग वाग लगे थे, जो लोग पहले खा रहे थे, सफाई तो थी, क्लीन था, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी खाता तो थोड़ा सा जूठा तो हो ही जाता है, और मेरी फैमिली में थोड़ा ज़्यादा हम मानते हैं जूठा वगैरह ये सारी चीज़ें, हम थोड़ा क्लीन ही रखते हैं, अलग ही रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेपर डाल दिया स्टार्टिंग में ही, ताकि हम देख सकते आप, ये खाने का बैग है और इधर साइड में पानी का बैग है, क्योंकि हम इस पर कुछ भी रख सकते हैं और इजीली काफ़ी अच्छे से सेफ्टी रहेगा, हाइजीन रहेगा पूरे अच्छे से। तो एक इस तरीके का ना आप भी कर सकते हो, कहीं भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आई नो कि जो चीज़ें हमें मिल रही है ट्रेन में हम उसको चेंज नहीं कर सकते, बट आप कुछ ना कुछ आपको उसमें ऑप्शन रखना चाहिए, लाइक जैसे पेपर आप देख सकते हो, मैंने इस पर पेपर डाल रखा है, तो काफ़ी ईजी है, मैं बार बार हाथ रख के भी दिखा रही हूँ, हमने बॉटल्स भी रखे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कप की एक स्टोरी है, एक्चुअली ये कप मैंने मम्मा पानी गिलास से पी ली है, और यहाँ पे जो आप कप देख रहे हैं ये कप मैंने लिया है मेरी चाय के लिए, और मम्मा पानी भी पी लेती हैं इससे और मैं चाय भी लेती हूँ, क्योंकि ग्लास तो हम लेके घूम नहीं सकते, तो कप रहेगा तो मैं चाय भी पी लूँगी और मम्मा पानी भी पी लेंगी, तो इसमें पानी ही भरा हुआ है अभी, मैं इस पर
और 7 बजे ट्रेन रुकी है और 7:40 की टाइमिंग है, ये 7:40 से यहाँ पे चलेगी। पर मुझे आप देख सकते हैं, मैं आपको बैक साइड पे दिखाऊं, तो हम देखिए और पीछे यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी है, आप यहाँ से कुछ भी खाना है तो खा सकते हैं, ट्रेन में भी आप खा सकते हैं, घर से खुद का लेके भी आ सकते हैं और वहाँ से आप खा सकते हैं। बट यहाँ पे अभी 40 मिनट तक हमको यहाँ पे रुकना पड़ेगा क्योंकि 40 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पे और 7:40 पे यहाँ पे ट्रेन जाएगी। 10:20 हो रहे हैं और हम फाइनली काठगोदाम पहुँच गए हैं और आप देख सकते हैं पीछे ट्रेन पूरी खाली हो गई है और यहाँ पे पहुँचते ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है, देख सकते हैं मैंने ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है, मैंने स्वेटर भी पहन लिया है। तो आप जब भी अभी के टाइम में आ रहे हैं ना, अप्रैल में भी आ रही है, इनफैक्ट इतनी गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे नैनीताल में काठगोदाम में आपको ठंडी लगेगी, तो जब भी आए, अभी भी आ रहे हैं अप्रैल में, तो एक बार आप स्वेटर जैकेट ज़रूर लेकर के आएँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। सो फाइनली हमारी यहाँ पे यहाँ तक का सफ़र तो काफ़ी अच्छा लगा। ट्रेन की बात करेंगे तो ट्रेन काफ़ी कम्फर्टेबल था, काफ़ी अच्छा लगा और देख सकते हैं ये काठगोदाम रेलवे स्टेशन, देखिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं, पूरा खाली हो चुका है ट्रेन और ज़्यादा लोग भी नहीं थे क्योंकि मोस्टली जो यहाँ पे पैसेंजर्स थे वो सब हल्द्वानी उतर चुके थे